समाजवादी पार्टी के धुरंधर चेहरों में शुमार आजम खान पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि वे इसी हफ्ते जमानत पर रिहा होकर रामपुर लौटेंगे। ऐसे में उनकी रिहाई को लेकर तैयारियां तेज होने की भी बात कही जा रही है। उनके मीडिया एडवाइजर फसाहत अली का कहना है कि आजम खान आने वाली ईद से पहले रिहा होकर वापस अपने कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। इन खबरों के बीच अब राजधानी लखनऊ में भी हलचल तेज देखी जा रही है। वे इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और लंबे समय से इस बात की बात जोह रहे थे कि पार्टी सुप्रीमो की ओर से उनकी रिहाई को लेकर प्रभावी कोशिशें की जाएंगी। वहीं सपा के पितामह मुलायम से भी वे यही उम्मीदें बांधे बैठे थे, लेकिन उनके नजदीकियों का कहना है कि इस बीच उन्हें जेल से बाहर निकालने की कोई प्रभावी कोशिश की ही नहीं गई, जिस बात से आजम खान बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये खबर भी खूब जोर पकड़ रही है कि उनका सपा से अब मोह भंग हो चला है, लिहाजा ऐसे में दूसरे दलों से उनकी सुध लेने वालों का तांता लग गया है। उनसे मिलने वाले दिग्गज चेहरों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे चेहरे शामिल हैं। ये मुलाकात इस वजह से भी खूब चर्चाओं में रही क्योंकि सबसे मुलाकातें करने वाले आजम खान ने हाल ही में सपा की ओर से भेजे गए कुछ लोगों से खराब तबीयत की बात कहते हुए उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आजम अब सपा में कुछ ही दिन के मेहमान हैं। ऐसे में अब जबकि उनके जेल से रिहाई की खबर है तो अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि वे बस रिहा होने का ही इंतजार कर रहे हैं। जेल से बाहर आते ही वे अपने आगे के सियासी सफर को लेकर कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर सकते हैं जो 2024 के चुनाव से पहले सपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। गौरतलब है कि आजम खान पर लगभग 87 मामले दर्ज थे, जिनमें से अब सिर्फ एक मामले पर ही फैसला आना बाकी है, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि इस बीच खुद आजम के मित्र और ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से जरूर एक खत सीएम योगी को लिखा गया है, जिसमें जेल के भीतर आजम के लिए बेहतर सुविधाओं की अपील की गई है, जबकि एक पत्र उन्होंने मुलायम के नाम से भी लिखा है ताकि वे इस संबंध में पीएम से बात कर उनकी रिहाई के लिए कदम उठाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।